जय हिंद साथियों, आज बात करेंगे सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की क्या होती है। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की होती है कि हम सांस कैसे लें, क्या करें। जोर से बोलना आप सभी, सांस की समस्या होती है कि सांस कैसे ले छोड़े। बहुत सारे बच्चे का कमेंट कॉल, आप लोगों का भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि सर हम बहुत जल्दी थकते हैं। देखिए, दुनिया का हर आदमी कोई भी काम करिएगा तो आप थकिएगा। सांस सबकी फूलती है, हम दौड़े या उसेन बोल्ट दौड़े, मिल्खा सिंह दौड़े, दुनिया का XYZ कोई भी धावक दौड़ता है थकता है। क्या होता है, सब थकता है। लेकिन उसी में होता है कि केवल बुड़बक बनाने की बात होती है कि सर मेरा सांस नहीं फूलता। सांस सभी का फूलता है, कारण है उसी में एक ढंग होता है कि आप सांस को कैसे लेते हैं छोड़ते हैं ताकि ज़्यादा देर तक आप दौड़ सके, अपनी स्टेमिना को बरकरार रख सके। समझ गए बात को। तो सांस ऐसा कोई ऐसा इस धरती पर इंसान नहीं जो दौड़ेगा उसका सांस नहीं फूलेगा। वही है कि कोई आदमी जिद से दौड़ता है, क्या करता है, जिद से दौड़ता है, वो अपने स्टेमिना को इतना बढ़ाए रखता है कि उसको आपको पता, आपके साथ कोई बच्चा भी दौड़ता है तो आप बोलिए वो नहीं थकता। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने शरीर को अपने बॉडी को उस स्ट्रक्चर में ढाल दिया है कि वो ज़्यादा देर लॉन्ग रनिंग प्रैक्टिस कर करके या सांस लेने के उसको सही तरीके मालूम होने के कारण वो जल्दी नहीं थकता है। ऐसा नहीं कि सांस किसी का नहीं फूलता है, सबका सांस फूलता है, बशर्ते जितने भी बच्चे आप SSC GD आर्मी दुनिया के XYZ किसी भी डिफेंस की यदि आप तैयारी करते हैं, रनिंग करते हैं, तो क्या है सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोग सांस अपने बॉडी को बहुत गलत तरीके से दौड़ते हैं जिससे बहुत सारे लड़कों को पेन होता है, घुटना पेन, एंकल पेन, सीन पेन होता है ना। तो आपको क्या करना है, सांस को कैसे लेना है छोड़ना है, आप सभी प्रैक्टिकल करना, सभी देखना हमारा शोल्डर कैसे चलना चाहिए, ये सारे चीज़ें आपको ध्यान देना है। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारी गर्ल्स का भी क्वेश्चन रहता है, आप लोगों में भी देखें एक दो लड़की बोलती है बार बार हर्षमाला दौड़ते हैं तो भैया सांस फूलता है बहुत जल्द। ऐसा सबका सांस फूलता है, ऐसा इसमें कोई नहीं कि किसी का ऐसा है क्या कि सांस नहीं फूलता है। वही है कि किसी का स्टेमिना ज़्यादा है, किसी का कम है। स्टेमिना डेवलप करने के लिए आपको प्रत्येक दिन लॉन्ग रनिंग करना होगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। शूट प्रैक्टिस करिए, उससे भी आपके स्टेमिना इंक्रीज होगी। थर्ड बात, जब हम दौड़ते हैं बॉयज हो या गर्ल्स, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा मुंह कैसे रखता है, मुंह को फुलाए रखता है, जोर से फुलाए रखता है या जोर से बांधे रखता है मुंह को, क्या करता है, मुंह जो हमारा है जोर से बांधे रखता है, फैले रहेगा, दांत को एकदम सटैले रहेगा, लगेगा कि हिले नहीं, ये चीज होता है, क्या होता है ना, जोर से बांधे रखता है। सेकेंड बात, दौड़ते समय क्या करता है, अपने हाथों को इतना जकड़े रहता है जिससे भी पेन होता है। सीन पेन का ये भी एक कारण है कि जब हम अपनी नसों को दम टाइट करते हैं तो ये जो नसें हैं सब जुड़ी हुई, इससे सीन पेन में भी असर होता है। तो आप दौड़ते समय ध्यान दें, अपने जो हाथों को कभी भी आप लूज रखे और साइड में, यहाँ रखने पर साइड में, ठीक है, लूज रखे, कहाँ रखना है, लूज रखना और नीचे रखना है तो ठीक है। बहुत बच्चा ऐसे दौड़ता है, आपकी इच्छा जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आपके लिए बेटर है, मायने रखता है रिजल्ट, आपका रिजल्ट होना चाहिए। ये कभी भी दौड़ो अपने हाथों को, ये क्या करना है, जोर से नहीं बांधना, इसे मुक्का नहीं बांधना है, समझ गया सब बात। कोई भी बंदा कभी भी रनिंग करिए अपने मुट्ठी को जोर से ये नहीं दाबना है, इसको लूज रखो, ठीक। सेकेंड बात, जब हम सांस लेते हैं तो सांस कैसे लेते हैं, हम लोग नाक से लेते हैं। लड़का थकल है मुंह नहीं खोलेगा, लंबा लंबा सांस लेता है नाक से और नाक से ही छोड़ता है। आप लोग ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, पहले दूसरा राउंड में 400 मीटर 200 मीटर दौड़ने के बाद यदि आप नाक से सांस लेना मुंह से छोड़िएगा नहीं तो आप जल्दी थकिएगा। कोई भी बेस्ट धावक दुनिया के XYZ किसी का भी आप वीडियो देखो, रनिंग देखो, कभी आप स्पोर्ट्स जो चैनल आता है उस पर देखो कैसे दौड़ते हैं, देखने से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। सभी जितने मैराथन होते हैं आप देखिए कितने देर दौड़ते हैं, कैसे दौड़ते हैं, सभी नाक से सांस लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है,
कि नाक से हम सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मुंह को बहुत खोल देंगे। तो ये क्या होगा, गला सूख जाएगा तो आपको और परेशानी होगी, होगी ना परेशानी। ये सारे चीजों पर ध्यान देना है, हमको सांस कैसे लेना है छोड़ना है। आप अपने मुंह को हल्का, एकदम हल्का खोलना है, ठीक है। दांत सटे नहीं रहने चाहिए आपके, ध्यान देना। क्या हो रहा है, ओठ बहुत हल्का गैपिंग है, क्या है, कभी आपका मुंह सूखेगा नहीं, कभी नहीं, और आप कभी थकिएगा नहीं। क्या करना है, नाक से सांस लेंगे स्लो में, आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, आप सभी प्रैक्टिकल करो। क्या करेंगे, नाक से सांस ले रहे हैं, मुंह से हल्का छोड़ रहे हैं, आप दौड़े। क्या हो रहा है, नाक से सांस ले रहे हैं, मुंह से छोड़ रहे हैं, आप सभी करो, आप सभी स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा दौड़ते समय इसी तरह करना है। कभी भी फिनिशिंग मारते समय 100 मीटर, 400 मीटर, 1600 मीटर रनिंग करते या 5 किलोमीटर रनिंग करते समय, 400 मीटर 500 मीटर के बाद आप अपने मुंह को, हाँ ये बात और है कि आप कोई भी रनिंग करते हैं तो आप शुरू में ही मुंह ना खोले, क्योंकि बॉडी को उस स्ट्रक्चर में पहले ढाल लीजिए कि पहले 200 मीटर 400 मीटर अपने मुंह को नाक से पहले सांस लें। जब ये चालू हो जाएगा तब आपका फेफड़ा क्लियर रहेगा आपको सांस लेने में, और आप थकिएगा नहीं, आप क्या होगा थकिएगा नहीं। इसलिए सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं छोड़ते हैं। आप एक से दो दिन इस पर काम करें, अमल करें, आपका बेटर होगा। और एक चीज आपको बता देते हैं, बहुत लड़के जब रनिंग करते हैं सीधा दौड़ता है, हम एक ही रनिंग को सीधा कर सकते हैं, वो है स्टेप रनिंग। अपने चेस्ट को सीधा करके अपने कदमों को बड़े बड़े डाल सकते हैं, इसमें स्टेप रनिंग में, ठीक है। लेकिन दुनिया का कोई और दौड़ है, 100 मीटर क्या है, आदमी झुकता है, झुक के जब भागता है तभी स्पीड आता है, पेट से पावर लगाता है, सही बात है। 1600 मीटर जब तक आप बॉडी को झुका के नहीं दौड़िएगा, लास्ट में आप फिनिशिंग अपने बॉडी को झुकते हैं, लेकिन जब तक थोड़ा बॉडी को झुका के नहीं दौड़िएगा आप बेटर नहीं दौड़ सकते हो। 5 किलोमीटर रनिंग है, आप खड़े दौड़िएगा, दूरी दिखाई देगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। दूरी को कभी भी ध्यान नहीं देना है, हमेशा आपने सोचना है कोई मोड़ी को झुकाए रखे, अपने 10 मीटर दूरी पर हमेशा देखो, नज़दीक देखने का कोशिश करो। कोई आगे बंदा आपके दौड़ रहा है तो उसके पैरों को देखो, यदि उसको फॉलो करते हो तो उसी पर दम टिके रहो। कितना भी बड़ा धावक रहे उसके आगे नहीं जाओ, यदि सोचते हो कि उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसके पीछे उसके पैरों पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे देख बता रहे हैं, आप भी समझ सकते हो, ये है आपका बॉडी, आपका शरीर। आप सोचिए हम दौड़ रहे हैं, हवा है, आप लोग भी पढ़े हुएगा, साइंस भी बोलता है कि पहाड़ पे दौड़ते समय मोड़ पे क्या होना चाहिए, हमको झुक के जाना चाहिए ताकि बॉडी स्थिर गुरुत्व के अंदर बना रहे, सही बात है कि गलत है, सही बात है ना। पहाड़ों पे चढ़ते समय क्या करना चाहिए, दौड़ते समय क्या करना चाहिए, साइंस कहता है, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, झुकना चाहिए। ये जो आपका शरीर है, आप सोचिए आप खड़ा जाइएगा, हवा बहे ना बहे ये लेगा लेगा प्रेशर, ये आपका शरीर है, अब क्या होगा, प्रेशर लेगा ना, ये सीधे जाएगा तो ज्यादा हवा हमको टच करेगा, टच करेगा, आप सभी समझ रहे बातों को, टच करेगा तो दिक्कत होगा। उसके बाद यदि हम इसको थोड़ा सा डैमेज करते हैं, आगे पीछे करते हैं, साइड से इधर उधर इधर उधर, तो क्या होगा, हवा को काटते हुए हम कहां जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बात नहीं समझे फिर से बोल रहा, आपने ये समझिए हमारा शरीर है, यदि हम सीधा दौड़ते हैं तो हम हवा को नहीं काट पाएंगे, बहुत हमको लोड पड़ेगा दौड़ने में, कभी कभी हवा चलता है तो बहुत कठिनाई होती है बहुत लोगों को, कारण है आपको हवा में दौड़ने का तरीका मालूम नहीं है, दिक्कत होगा। कभी भी हवा मान लीजिए बार स्लो भी तो दिक्कत होता है, लड़का बोलता है कि यार बहुत आज हवा था, टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं है। यदि आप अपने शरीर को थोड़ा सा काटते हैं तो आप उसमें भी आप बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना, ये क्यों बताए आपको, जो हमारा ये शोल्डर है, जब हम अपने हाथों को यहाँ रखते हैं तो हमारा शोल्डर ये हिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमेशा थोड़ा हिलना चाहिए, जिससे हम हवा को काट सके और आसानी से दौड़ सके। बात समझ रहे हैं सभी,
तो ये साथियों हम लोग ये दो तीन चीज़ों पर विशेष काम करेंगे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो हो साथियों आपके पास तुरंत जाए। साथियों आज हमने सीखा सांस कैसे ले छोड़े, अपने बॉडी को किस स्ट्रक्चर में रखें ताकि हम और कंफर्टेबल महसूस करें, अपने हाथों को किस प्रकार रखें ताकि हमको दौड़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। यदि आप जोर से बांधते हैं तो आपका हाथ भी भर जाता है, बहुत लोगों का दौड़ते समय हाथ में भी कभी कभी दर्द हो जाता होगा, तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। एक बार जय घोष करते हैं, बोलना जोर से सभी, हाथ ऊपर, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।